हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, यहाँ पे हो रखा है सुबह का समय और मैं बना रही थी मक्का की रोटी, क्योंकि रात मैंने साग बनाया था ना, तो फिर रात को मैंने बनाई नहीं रोटियाँ उसकी, ना तो बाजरे की बनाई और ना ही मक्का की बनाई। तो मैंने कहा चलो, मैंने नहीं बोला, मतलब इन्होंने मेरे से बोला कि सुषमा रात तो तूने कुछ भी नहीं बनाया, गेहूँ की रोटी खिला दी मेरे को, अब ऐसा कर ऑफिस के लिए ना मुझे मक्का की रोटी बना के दे दे। और पता कितने, अगर रात को मैंने खाना खिला देती ना तो मुझे 2 या 3 रोटी मुश्किल से बनानी पड़ती। इन्होंने बोला 8 रोटी बनाना मक्का की। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ऐसे चकले बेलन पे बेलकर ही रोटी बनाई, और चाहे मैं बेल करके बनाऊँ चाहे मैं हाथ से बनाऊँ तो मेरे से रोटी इतनी बड़ी ही बनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है। और वैसे आप चाहो तो इसके ना पलौथन लगा कर भी बेल सकते हो, पर मैंने तो चिकनाई का हाथ लिया था यानी तेल रखा हुआ था, तो उसको हल्का हल्का डिप करके लगा रही थी मैं, और बस बन गई रोटियाँ इस तरीके से। और फिर मैंने इनको नाश्ता दे दिया। तो बस यही क्लिप है, अगले दिन की क्लिप है, बाकी वीडियो अगले दिन का है। यहाँ पे सुबह हो गई और मैं सुबह की चाय बना रही थी। तो ये सब तो चले गए हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल चले गए, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए, और मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, अंधेरा हो गया इस कमरे में ना, बाहर आके बात करते हैं। तो जी, अभी हो रखा है सुबह का समय, मतलब बहुत सुबह नहीं है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये ऑफिस चले गए हैं। अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया, अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी या तो बैंगन का भरता बनाऊंगी या फिर आलू बैंगन बनाऊंगी, लेकिन अभी टमाटर नहीं है तो अभी सब्जी वाला आएगा फिर टमाटर लूंगी, क्योंकि आज जल्दी चले गए हैं तो इसे टमाटर लाने वाला कोई है नहीं घर में। तो जब सब्जी वाला आएगा तो उसी पर डिपेंड करता है कि वो जब आएगा तब मैं वो बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने फोन करके पूछा था तो कह रहे थे कि हाँ अभी तो मुझे 1.5-2 घंटे और लगेंगे आने में। तो मैं बना रही हूँ अपनी सुबह की चाय, तो मैं चाय पीऊंगी। तो चलो चाय पीते हैं पहले, और झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, अब तो सिर्फ चाय पियेंगे, फिर नाश्ते के बर्तन, मतलब जो चाय पीऊंगी नाश्ते एक तरीके से, उसके बर्तन साफ करूंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे ऑफिस से। तो चलो पहले चाय पीते हैं। तो जी ये देखो चाय, आज गिलास में है चाय, क्योंकि कप में ना कुछ रखा हुआ है तो मैं कहा चलो गिलास में पी लेते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है ना कांच गिलास में चाय पीना, तो चाय पीते हैं। तो जी ये रही मेरी चाय, थोड़ी सी नमक पा रहे और चाय, तो बस पहले चाय पीते हैं और फिर करेंगे अपने नाश्ते की तैयारी। और मुझे लग रहा है शायद ना सब्जी वाला आ गया, आवाज दे रहा है, देखती हूँ पहले टमाटर ही ले लूँ, चाय तो बाद में पी लूंगी। होता है सब्जी वाला टमाटर कैसे दिए, 1 किलो दे दो और गला हुआ में चढ़ाना, पिछली बार 2 थे गले हुए, दोनों में कीड़े रखे थे। हाँ तुमसे लिए थे मैंने। क्या बात है आज तो अच्छा। अरे मेरे का पीछे से जुड़ा बना रखा है। उसको दिखाओ ना डॉक्टर को जाकर के, दिखाया था, दिखाओ वो लिखेगा ना, जिनको कोविड हुआ था उनको झड़ी रहे थे इसलिए। अरे यार ये अखबार कौन डाल गया? नहीं सब्जी तो और कुछ नहीं, बस टमाटर दो, टमाटर की वजह से सब्जी भी नहीं बनाई मैंने अभी तक, टमाटर खत्म, रात भी टमाटर नहीं था, दाल मैंने बिना टमाटर के छोड़ दी। फिर मैंने भी रखी है मेरे पास सीताफल रखा है, शिमला मिर्च रखी है और गोभी रखी हुई है। हाँ सबको कैच करना सिखा दिया भैया, वही से तो ले जा, फ्री में देखी जा रहा है क्या, खुले खुले दे दू, कल परसों है, हैं? हाँ
वो तो है नहीं पूछा भी नहीं। अरे यार मुझे नीचे जाना पड़ेगा और कुछ नहीं नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि तो अगली बार लगा ली हूँ 50 का नोट ले ले 10 रुपए मेरे रहे। वो कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं हमेशा उधार फिर उन मैनेज करते रहेंगे। कहाँ कटाई सीधर से और हाँ कितने लिए कटिंग के 150 रुपए आ गए टमाटर अब बनेगी सब्जी तो भरता बनाऊंगी अब मैं। बैंगन था ही नहीं और मुझे लगा बैंगन है तो मैंने बना दिया आलू गोभी। टमाटर धो के रख दिए हैं और ये रखे हैं रसगुल्ले। किसे किसे खाने हैं कमेंट करके बताओ रसगुल्ले खाने हैं। और ये सारे चाय के बर्तन साफ कर दिए हैं मैंने तो बस सब्जी मैंने बना के रख दी है। अभी आटा गूंथूंगी फिर बनाऊंगी रोटियां लेकिन अभी कोई आया नहीं है। इसके पापा को मैंने दोबारा से फोन किया है तो वो बोल रहे अभी मुझे 1-1.5 घंटा और लगेगा तो अभी तो बस सोना के आने का टाइम हो रहा है। सोना आएगी 15-20 मिनट में तब तक थोड़े कपड़े हैं वो प्रेस कर लेती हूँ और क्या करूँ क्योंकि जब वो आएगी उसके बाद ही फिर मैं रोटियां बनाऊंगी क्योंकि वो जो कहेगी उसके हिसाब से नहीं तो नैना तो उससे भी देर से आएगी। नैना आएगी 2:30 या 3 बजे और उसके पापा अगर उससे पहले आ गए उसके पापा तो फिर मैं रोटियां बनाई दूंगी। देखते हैं कौन पहले आता है पापा या नैना। तो चलो पहले थोड़े से कपड़े उनको प्रेस कर लेती हूँ। और मैंने आपको सामान भी नहीं दिखाया ना मैं मार्केट से क्या क्या लेकर के आई थी। थोड़ा सा सामान है इस समय इस रूम में ना मैं वही दिखा देती हूँ आपको ना। सोना के स्कूल में है फंक्शन तो उसको बोली थी सिल्वर कलर की वैली लेके आने के लिए ये लेकर के आई हूँ। वैसे तो मैडम ने बोला है कि ना जूड़ा लेकर के आना है लेकिन मैं तो लाई हूँ डोनट। ये इसे क्या कहते हैं डोनट ही कहते हैं ना तो ये लेकर के आई हूँ जूड़ा पिन लेकर के आई हूँ कि जूड़ा इससे बना दूंगी। और ये देखो क्योंकि मैंने सोना को दिलाई है वैलिया तो नैना को भी चाहिए फिर तो अपने लिए जूते खरीद के लाइए काले वाले तेरे काले रंग के चाहिए। पता नहीं क्या आजकल काले रंग का भूत चढ़ा उसके सर पे हर चीज ब्लैक चाहिए हर चीज। और मैं आपको दिखाऊं हाँ रुको ये देखो पैंट वो लेके नहीं गई है ना ऊपर ये पैंट लेके आई है ये भी ब्लैक कलर की है ये देखो। बाकी मैं एक पजामी सोना की लेकर के आई थी क्योंकि हम लोग गए भी देर से थे क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसके लिए ना वैलिया लेकर के आनी थी सोना के लिए ना तो मैं खाली उसी लिए गई थी स्पेशली। तो लेकिन नैना जिद करे लेकिन नहीं मार्केट जा रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तो हमने कहा चल तू भी चल हमारे साथ। और एक सोना की पानी की बोतल लेकर के आई थी बस यही लेकर के आई थी। बाकी तो लाए थे खाने पीने का सामान इमरती लेकर के आए थे और वो क्या कहते हैं नान खटाई लेकर के आए थे और बाकी अपना सूट छुड़वा के आ गए थे। पता नहीं किस चीज में उलझाना मेरा सूट मतलब वो बाल बाल बच गया जो उसका अस्तर होता है ना अस्तर तो फट गया लेकिन सूट बच गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं रिक्शा के अंदर बैठी थी वो किस चीज के अंदर अटका है तो किसी की स्कूटी में अटका उसका हैंडल वगैरह क्योंकि इस तरीके से सूट बाहर को रखा होगा लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आया कि किस चीज में अटका। अगर पहिए में आता तो नीचे से ही फटा होता लेकिन नीचे से बीच से कहीं से नहीं फटा या फिर हो सकता है उसके रिक्शे में कोई कील रही हो ये भी हो सकता है मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं उस टाइम ना फोन पे बात कर रही थी इनसे ये बोल रहे थे मार्केट से जब आओगे तो पनीर लेकर के आना इसलिए फिर मैं कुछ नहीं लेके आई ना पनीर वनीर कुछ लेके नहीं आई। मैंने कहा सारा सामान है हाथ में कौन उतरेगा इसलिए फिर मैं ऐसी आ गई थी। तो चलो पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ तब तक देखते हैं सोना आती है तो क्योंकि उसके आने का टाइम हो ही रहा है 10 मिनट बची हैं अब 10 मिनट में देखते हैं कितने कपड़े प्रेस करती हूँ। तो जी यहाँ मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ क्योंकि सोना स्कूल से आ गई है तो मैंने सोचा कि उसके लिए रोटियाँ बनाऊँगी तो मैंने पूछा सोना रोटी बना के ले आऊँ तो उसने बोला कि नहीं मुझे ना ब्रेड खानी है
मतलब जब ब्रेड आ जाए ना मेरे घर के अंदर तो उसको बस सिर्फ ब्रेड ही खानी होती है। स्कूल ब्रेड खा करके ही जाएगी, स्कूल से आके ब्रेड खाएगी, फिर रोटियां नहीं खाएगी, बस ब्रेड देते रहो ब्रेड देते रहो। तो मुझे बोल रही कि आप ना मुझे ब्रेड गर्म करके ला दो। मैंने कहा चल ठीक है मैं लेकर के आती हूँ, लेकिन मैंने कहा मक्खन तो है नहीं और अगर मैं देसी घी लगा देती हूँ ना ब्रेड पे तो उसको आती है ना स्मेल, तो ऐसे खाई कहेगी ना नहीं ये तो वो वाली ब्रेड नहीं है और आपने पता नहीं क्या लगा दिया इसके ऊपर, मुझे नहीं खाना, इस तरीके से बोलेगी। तो वो वाला मक्खन था ही नहीं, मतलब जो अमूल का मक्खन होता वो नहीं था। तो मैंने कहा चल वाइट वाला मक्खन लगा देती हूँ, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया। मैंने कहा खाएगी ना तो उसको लगेगा नहीं कि हाँ मैंने कुछ और लगाया, इसलिए मतलब मैंने धोखा दे दिया उसको इस तरीके से। तो हम इसके लिए ब्रेड सेक रही थी और देखो मैंने नमक लिया और ये वाइट वाला मक्खन था थोड़ा मेरे पास, मैंने कहा चलो इसी को लगा देती हूँ। फिर नमक डाल के मैं इसको दे करके आई, मैंने कहा ले खा ले। और अभी तो वो आए नहीं है, अब देखो जब आएंगे तो रोटियां बनाऊंगी, फिर अब तो नाश्ता नहीं सीधा लंच ही होने वाला है तो लंच करेंगे सीधा। इसलिए लो जी ये लो। मुझे क्यों दिखा रहे हो? नहीं दिखा रही आपको भाई, नहीं दिखा रही। चावल, रोटी, दाल, फूल गोभी और ये मूली। तो जी यहाँ पे हो रहा है लंच, तो ये आ गए और ये खाना खा रहे हैं। तो जी हैप्पी अभी खाना खा रहा है क्योंकि हैप्पी अभी घूम के आया ना, इसलिए तो हैप्पी को लगी है भूख, है ना हैप्पी? ये देखो है ना हैप्पी। तो फ्रेंड्स ये आए थे ऑफिस से और ये लेकर के आ गए थे लड्डू, किसी ने दिए होंगे इनको ना, तो चार थे, तीन तो हमने निपटा दिए, एक बचा है और ये रखा है मेरा खाना, तो मैं खाना खाऊंगी। पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने सोना को खाना खिलाया क्योंकि सोना खुद से खाती नहीं है खाना, इसलिए तो उसने वैसे पहले ब्रेड खा ली थी ना, तो इसलिए उसका दिल भी नहीं कर रहा था खाने का और मैंने कपड़े भी प्रेस कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अब कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिए।